हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में अलग अलग विभागों में जो है रिक्त पद जो है खाली पड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एलटी में है, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, पुलिस में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है रिक्त पद पड़े हुए हैं। और इसके लिए जो है सरकार ने कहा था एक बार पहले कि 18,000 पदों पर जो है जल्दी हमें भर्ती करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो है 18,000 तो छोड़िए, 18 पदों की वैकेंसी भी सरकार ने निकाल नहीं रखी है। और आपको बता दूं कि कल यहाँ पर जो है महारैली आंदोलन किया गया था देहरादून में, परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय को यहाँ पर कूच किया गया था। और इसमें जो है काफ़ी मांगें थी, और क्या क्या यहाँ पर मांगें थी बेरोजगारों की, वो मांग जो है बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार काफ़ी टाइम से 2-3 सालों से यहाँ पर लोगों को, बेरोजगारों को यहाँ पर ठगाने में लगी है। क्योंकि भर्तियाँ आएंगी आएंगी, न जाने वो भर्तियाँ जो है कब आएंगी, ये कोई अता पता नहीं है। और इसके लिए जो है बेरोजगारों ने बहुत बड़ी यहाँ पर रैली निकाली थी। और वहीं बात करूँ फौजगार भर्ती में धांधली की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे थे इस भर्ती को रोकने के लिए। दिखा देते हैं आपको यहाँ पर इनकी क्या मांगें हैं और क्या यहाँ पर बेरोजगार चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल हुई महारैली का इस तरह से एक दृश्य है, और इसमें लगभग 5,000-6,000 के समथिंग जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पे भाग लिया था। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए थे, सभी ने एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि बेरोजगारों ने यहाँ पर मांग उठा रखी थी काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि भर्ती परीक्षा जो है फौज कार्ड का वो रद्द किया जाए या पेपर दोबारा किया जाए। और उसके साथ साथ जो है 18,000 सीएम ने अब भर्ती के लिए जो है कह रखा था कि 18,000 जो है भर्तियां जल्दी ही निकालेंगे, वो वादे किए थे, और काफ़ी यहाँ पे और भी वादे किए थे, लेकिन उन वादों को अभी जो सीएम खरे नहीं उतरवाए। उनकी भी यहाँ पर मांग की गई थी, और आपको बता दो कि ये भर्तियाँ जो है काफ़ी लंबे समय से रिक्त पड़े हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि 18,000 पदों की भर्ती यहाँ पे होनी थी, और वो भी पता नहीं कहाँ चली गई इनकी भर्तियाँ। और योग्यता परीक्षा सीनी के बाद भी काफ़ी मात्रा में जो है भर्तियाँ पहुँची हैं, योग्यता परीक्षा भी पता नहीं क्या कर रहा है, वो भी कहता है कि भर्तियाँ अभी नहीं होंगी। कभी कुछ नियम निकाला था, कभी कुछ नियम निकाल, नियम तो इतने बदल दिए इन्होंने, बताऊँ क्या। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से काफ़ी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रात के 11 बजे तक जो है तेज़ बारिश में भी यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर जारी रखा, बिल्कुल वो डटे रहे। इन सभी को जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, और आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बेरोजगारों ने अपनी मांग इस तरह से यहाँ पर बताई हुई है। तो फौज का परीक्षा को रद्द कराई जाए, और 100 दिन के भीतर भीतर इसको दोबारा यहाँ पर करवाया जाए, एक तो ये रखा गया है, और प्रकरण की जो है निष्पक्ष यहाँ पर जांच हो, और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाए। और प्रदेश में विभिन्न विभागों में जो है 18,000 पद रिक्त पड़े हैं, ये सीएम ने खुद अनाउंसमेंट किया था, एक वीडियो अनाउंसमेंट किया गया था। तो अभी तक जो है इन भर्तियों का भी अता पता नहीं चल रहा है। इनके भरने के लिए जो है 30 दिन के भीतर विज्ञप्ति यहाँ पर जारी किया जाए, ऐसा यहाँ पर बेरोजगारों का जो है मांग है। और पिटकुल और यूपीसीएल में जेई के 272 पद जो कि यहाँ पर रद्द हुई थी, उसको यहाँ पर दोबारा कराया जाए, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। यही भर्ती भी जो है धांधली हुई थी 272 पदों पर, और इसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव 2017 का मुख्य परीक्षा से 2073 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने से यहाँ पर वंचित किया था। और यहाँ पर लिखा गया 122 पदों के सापेक्ष मात्र 153 अभ्यर्थियों को मान्य ठहराया था। इन अभ्यर्थियों के पास उत्तराखंड में चल रहे विभिन्न कंप्यूटर संस्थानों में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र है, ऐसा भी लिखा गया है। इसके तहत बेरोजगारों को न्याय दिया जाए, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं देख सकते हैं यहाँ पर कि योग्यता परीक्षा के पास जो कि कई परीक्षाएं हैं, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 और शिक्षक LT शिक्षक हैं यहाँ पर, और डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर से पहले से विवाद के घेरे में है, इस प्रकरण को जल्द से यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मांगें रखी गई हैं सरकार से। अब देखते हैं सरकार जो है कितनी यहाँ पे मांग हमारी पूरी करती हैं, और कब तक जो है भर्तियाँ निकालती हैं, क्या फौज का भर्ती प्रक्रिया जो कोई निर्णय डिसीजन आता है या नहीं, अभी तक कोई जाँच नहीं है और न ही कोई डिसीजन है। तो एक दूसरे पे थोपा जा रहा है सरकार द्वारा, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या नहीं, और इन भर्तियों पर जल्द से जल्द भर्तियाँ आनी चाहिए या नहीं, तो देख सकते हैं, कमेंट जरूर करें। और ये अगर नहीं मानते हैं तो एक और नया जो है एक